हेलो फूडीज, मैं सबा फिरोशिक एंड वेलकम टू सबास किचन। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस और हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी खास आप ही के लिए बनी है। पिक देखकर तो आप समझ ही गए होंगे मैं बना रही हूँ ओट्स टिक्की, और रमज़ान भी करीब है तो ये रेसिपी आप रमज़ान में इफ्तार के लिए बना सकते हैं। घर पर पार्टी हो या फिर अचानक से मेहमान क्यों ना आ जाए तो आप इसे कभी भी किसी भी वक्त बना सकते हैं। फिर आइए बनाना शुरू करते हैं ओट्स टिक्की। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए, और पास ही में दिए हुए बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी। ओट्स टिक्की बनाने के लिए मैंने लिया है क्वेकर ओट्स का फ्लेवर मिक्स वाला पैकेट, जिसमें आपको मिलेंगे इस तरह के 3 सैशे होमस्टाइल मसाला फ्लेवर मिक्स के, और टैंगी टोमेटो फ्लेवर का 1 सैशे। तो आप इन सैशे को ऐड करते हुए सिंपल वेजेस वाला इस तरह का ओट्स भी बना सकते हैं, जो कि सच में खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। ओट्स को खाने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप चेक कर लें। लेकिन मैं बना रही हूँ ओट्स टिक्की, तो ये मैंने 1 कप ओट्स ले लिया। तो अब सबसे पहले ओट्स को एक बाउल में डाल दें और साथ ही में 3/4 कप पानी डालकर ओट्स को मिला लें। ओट्स को हमें पानी में भिगो कर रखना है, जिसमें ओट्स हमारे बढ़िया से सोख हो जाएंगे, और जब तक ये ओट्स पानी में भीग रहे हैं तब तक हम टिक्की बनाने के आगे की तैयारी कर लेंगे। अब कढ़ाई में डालें 2 बड़े चम्मच तेल, और फिर तेल गर्म होने पर वेजीज डाल दें। वेजीज में मैंने लिया है 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक चॉप की हुई, और जैसे कि आप देख सकते हैं 4-5 बीन्स को भी मैंने बारीक काट लिया। 2 बड़े चम्मच करीब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है मैंने, और 1 गाजर लिया है मैंने बारीक कद्दूकस किया हुआ। वेजीज आप अपने पसंद के ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, मटर, रेड एंड येलो बेल पेपर भी आप चाहें तो ले सकते हैं। तो अब वेजीज को मीडियम फ्लेम यानी कि मध्यम आंच पर पहले 3-4 मिनट के लिए लगातार चम्मच से चलाते हुए पका लें, ताकि सारी सब्जियां थोड़ी सी नरम पड़ जाएं। लेकिन सब्जियों में क्रंच बना रहे हैं इसलिए सब्जियों को ज़्यादा भी ओवर कुक ना करें। तब 3-4 मिनट सब्जियों को पकाने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। जितना स्पाइसी खाना आप पसंद करते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें डालें, लेकिन अगर इसे आप बच्चों के टिफिन के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्चें आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हरी मिर्चें मैंने मिला ली। हरी मिर्चें मिलाने के बाद ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को पहले उबाल लें और फिर आलू को छील कर कद्दूकस करके डालें, क्योंकि टिक्की में हमें बाइंडिंग चाहिए और आलू बहुत ही बढ़िया काम करता है बाइंडिंग का, इसलिए आलू डालकर आलू को भी खूब अच्छे से मिला लें इस तरह से। तो ये लीजिए, आलू को भी मैंने मिला लिया, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ होमस्टाइल मसाला फ्लेवर मिक्स के 2 सैशे, और ये सैशे आपको क्वेकर ओट्स की ओर से पैकेट में ही दिए गए हैं। इस मसाले का जो टेस्ट है वो बहुत ही डिलीशियस है। होमस्टाइल मसाला फ्लेवर मिक्स डालने के बाद टिक्की में हमें ज़्यादा कुछ स्पाइसेस डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसी मसाले से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है टिक्की में। तो ये मैंने होमस्टाइल मसाला के 2 सैशे डालकर मिला लिए, और जब आप मसाला मिला लें, इस मसाले को मिलाने के बाद थोड़ा सा स्टफ चख लें, ताकि नमक आपको कम लगे तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और साथ ही में डालें 1/4 टीस्पून करीब भुना जीरा पाउडर। जीरा पैन में ड्राई रोस्ट करके मिक्सर जार में अगर बारीक पीस लें तो आपका भुना जीरा पाउडर हो जाएगा तैयार। तो अब नमक और भुना जीरा पाउडर को भी खूब अच्छे से मिला लें, और फिर नमक और भुना जीरा पाउडर मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे भिगो कर रखा हुआ ओट्स। ये देखिए, ओट्स बहुत ही बढ़िया से पानी में सोख हुए हैं। ओट्स में मेरे ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं है, और ना तो ये बहुत ज़्यादा गीले हैं। लेकिन अगर आपके ओट्स का टेक्सचर आपको ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके मिक्सचर बाइंड करके चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप टिक्की बनाएंगे तो टिक्की में आपके क्रैक्स नहीं आने चाहिए, तभी तो आपकी टिक्की का परफेक्ट बाइंडिंग वाला मिक्सचर बनकर होगा तैयार। लेकिन अगर यही मिक्सचर आपका गीला हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा सूखा वाला ओट्स आप डालकर मिला लें, तो तभी आपका ओट्स टिक्की का जो मिक्सचर है वो सेट हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से जैसे मेरा मिक्सचर बनकर तैयार है। तो बस अब गैस फ्लेम को बंद करके अब हम बनाएंगे टिक्की। और टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी में 2 बड़ा चम्मच मैदा लिया है, जिसका हम बनाएंगे पेस्ट। साथ ही में मैंने प्लेट में ले लिया है 1/2 कप ओट्स टिक्की को कोट करने के लिए, और ये रहा हमारा टिक्की का मिक्सचर जो कि थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब टिक्की बनाने के लिए मैदे में 1/3 कप पानी डालें, और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए ऐसा स्मूथ सा पेस्ट बना लें। ये देखिए, पेस्ट में ज़रा भी लम्स नहीं है। तो आप भी इसी तरह का लम्स फ्री वाला मैदे का पेस्ट बनाकर रख लें, और फिर ओट्स की टिक्की बनाने के लिए मिक्सचर में से 2 बड़े चम्मच जितना स्टफ लेकर बॉल्स बना लें। यहाँ मैंने अपने हथेलियों को ऑयल से बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया, क्योंकि मेरा मिक्सचर ज़रा भी स्टिकी नहीं है। लेकिन अगर आपका मिक्सचर हाथों पर चिपक रहा हो तो अपने हथेलियों को पहले तेल से चिकना कर लें, और फिर बॉल्स को चपटा करते हुए ऐसी टिक्की बना लें। और ध्यान रहे, टिक्की को चपटा करते समय किनारों पर क्रैक्स ना रहें, इसलिए किनारों को भी आप अच्छे से शेप दें। और फिर इसे आप इस तरह से मैदे के पेस्ट में पहले डिप करें, और फिर टिक्की को तुरंत ही पेस्ट में से निकाल कर टिक्की को ओट्स से कोट कर लें। ये देखिए, इस तरह से टिक्की को ओट्स पर रख कर हल्के से उंगलियों से दबाते हुए कोट करें। टिक्की को आप चाहे तो बिना पेस्ट और ओट्स के कोट किए भी शैलो फ्राई कर सकते हैं,
लेकिन ऐसे मैदे की पेस्ट में टिक्की डिप करके ओट्स की कोटिंग करके आप ओट्स की टिक्की अगर बनाएं तो यकीन माने बहुत ही बढ़िया लगती है ऐसी टिक्की खाने में, क्योंकि अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट और बाहर से ही जो हमने ओट्स चिपकाए ये शैलो फ्राई करने के बाद हो जाते हैं बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। तो चॉइस आपकी, इसे आप जैसे चाहें वैसे बनाएं। तो इसी तरह से सारी टिक्की बनाकर पहले हम प्लेट में रख लेंगे और फिर इसे करेंगे शैलो फ्राई। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं इतने स्टफ में मेरी टोटल 10 टिक्की बनी है, और जब टिक्की बनकर तैयार है तो चलिए इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। तो आप पैन में डालें 1/4 कप तेल यानी कि 4 बड़ी चम्मच तेल, और तेल हल्का सा गर्म होते ही पैन में जितनी टिक्की आ सकती है उतनी टिक्की डाल दें। पहली टिक्की को मध्यम आंच पर 4 मिनट के लिए पलटते हुए दोनों ही तरफ से शैलो फ्राई करें, और फिर फ्लेम को धीमा करके इसे फ्राई करें धीमी आंच पर पलटते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए जब तक ये टिक्की इस तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है तब तक आप इसे दोनों ही तरफ से शैलो फ्राई करें इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए शैलो फ्राई होते ही टिक्की का गोल्डन ब्राउन कलर कितना प्यारा दिख रहा है। तब जैसी टिक्की इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए इसे पैन में से निकालकर एब्जॉर्बिंग पेपर पर रखते जाएं, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिक्की में से रिमूव हो जाएगा इस एब्जॉर्बिंग पेपर पर। जैसा कि आप देख ही सकते हैं बाहर से बिल्कुल ही क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट, ये मेरी हेल्दी ओट्स टिक्की बनकर तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हैं अपनी मनपसंद ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी चटनी, केचप या फिर किसी सॉस के साथ। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही सुपर रेसिपी है। इसे आप एक बार बनाकर खा लें तो इसे आप बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। सो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, और आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा मिलती रहेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।